हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर वेब डेवलपमेंट कोर्स। हम अपने इस कोर्स में एक वेबसाइट को बनाने के लिए जो मिनिमम टेक्नोलॉजीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने वाले हैं। मींस सारी टेक्नोलॉजीज़ को हम इसमें वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, PHP एंड MySQL, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। Bootstrap मैंने इसमें लिखा नहीं है लेकिन बहुत जल्दी ही लिख दूंगा। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिव टैग के बारे में। मीन्स डिव टैग क्या होता है, डिवीज़न इसकी फुल फॉर्म होती है, डिव टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट है इसका यूज़ करने का, वो हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पिछले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी है तो शायद ही आपको ये वीडियो समझ में ना आए, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में मैंने HTML का पूरा बेसिक कवर किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। तो आइए मैं आज के लेक्चर पे आता हूँ अपने डिव टैग के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिव होता क्या है, डिवीज़न। तो उसको हम इस तरीके से समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एक डिवीज़न है, मीन्स आपका ये पूरा एक पेज है, ये आपका पेज है, मीन्स आपका ये एक क्रोम ब्राउज़र है। सपोज़ आपको एक डिवीज़न क्रिएट करना है जिसमें आपकी एक सिर्फ इमेज रहनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सपोज़ कीजिए आपने एक डिवीज़न क्रिएट कर लिया इतना, जिसमें जो है आपकी जो भी आपकी जो इमेज है वो रहेगी। सपोज़ जो भी आपकी इमेज है वो आप इसमें अपनी इमेज डाल सकते हैं। इसमें आप अपनी इमेज डालना चाहते हैं, एक और डिवीज़न आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें आप अपना एड्रेस डालना चाहते हैं, आपका एड्रेस इसमें स्टोर हो जाए। एक और डिवीज़न आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें जैसे आप इसमें कुछ रखना चाहते हैं, और डिवीज़न आप क्रिएट करना चाहते हैं उसमें कुछ कर सकते हैं। तो ये सारे आपके डिवीज़न होते हैं। एक पेज पे आपको कितने डिवीज़न क्रिएट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिवीज़न टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके बता रहा हूँ। डिव टैग इज़ यूज फॉर क्रिएट डिवीज़न इन वेब पेज। आपका जो वेब पेज होता है उसमें डिवीज़न क्रिएट करने के लिए डिव टैग का यूज़ किया जाता है। वी कैन क्रिएट मैनी डिवीज़न इन वन पेज बाई डिव टैग। डिव टैग को यूज़ करके आप बहुत सारे डिवीज़न अपने पेज पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड वी विल परफॉर्म नेस्टिंग ऑफ टैग्स इन द डिव टैग। मींस डिवीज़न जो टैग होता है उसके अंदर भी आप डिव टैग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप यहाँ पे देखें, आपने ये डिवीज़न एक क्रिएट किया, एक इसके अंदर और आप डिवीज़न सब डिवीज़न क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप डिव टैग की मदद से कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करेंगे, वो सब आपको मैं आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि हम डिव टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी पिछली वाली कोडिंग है जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में फॉर्म टैग को यूज़ करना बताया था। फ़िलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिव टैग। एंड सपोज़ करो आपने एक पैराग्राफ लिया, पी टैग स्टैंड फॉर पैराग्राफ टैग। इसमें आप कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं, आई माय नेम इज मोहम्मद अफजल, आई एम फ्रॉम बरेली इंडिया। ओके, आपने इसको सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी जो इनिशियली हेडिंग लिखी हुई है एग्जांपल ऑफ डिव टैग वो आ गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपना पैराग्राफ लिया था वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। जो आपने पैराग्राफ लिखा था उसका आउटपुट ये आ गया है। और सपोज़ करो आप एक और H1 टैग लगाना चाहते हैं, H2 उसमें लिखना चाहते हैं हाय समीर, हाउ आर यू। रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हैं पैराग्राफ नीचे एक और H2 हेडिंग आ गई, उसमें लिखा है हाय समीर हाउ आर यू। अब आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं, सपोज़ करो यहाँ पे आप एक इमेज लगाना चाहते हैं, जैसे IMG टैग से इमेज लगती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें आप SRC लिखेंगे और उसकी वैल्यू के रूप में इमेज, मेरे पास कोई इमेज पड़ी है या नहीं मुझे कंफर्म नहीं है, मैं देख लेता हूँ। एक इमेज है course1.jpg नाम से, course1.jpg
JPG, मैंने इसको सेव किया और यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। आई थिंक नेम गलत हो गया, course1.jpg इमेजेस, course1.jpg, सॉरी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी इमेज आपको नहीं दिख रही है क्योंकि इसका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, विड्थ विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 100 पिक्सल्स एंड हाइट भी कर देता हूँ 100 पिक्सल्स। अब आप इसको आसानी से देख सकते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि जो आपने ईमेल लगाई थी वो आ चुकी है। अब आप चाहते हैं, सपोज़ करो आपका ये जो डेटा है वो एक एक ही चीज़ से रिलेटेड है, मीन्स ये आप ही से रिलेटेड है और आप इसको एक ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं ग्रुप में, तो आप इसको पूरे कंटेंट को डिव टैग के अंदर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा डिव, DIV डिव, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग लगाएंगे हम, जितना हमें डिवीज़न में क्रिएट करना है। डिव क्लोज कर दिया। अब अगर आप इस पूरे डिवीज़न पे जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस पूरे डिवीज़न पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे आप अगर पूरे कंटेंट को इधर शिफ्ट करना चाहते हैं राइट में तो कैसे करेंगे, तो जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं अलाइन मिडल, मैंने इसको सेव किया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका जो कंटेंट था पूरा का पूरा उठ के मिडल में आ गया। इसका यूज़ करने का फ़ायदा यही है, आपको इन तीनों पैराग्राफ पे भी और इस H1 पे भी और इमेज टैग पे भी अलाइन एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है, उसमें पास करना पड़ता है मिडल। मैंने क्या किया, पूरे कंटेंट को एक डिव टैग में लिया और उसी डिव टैग पे अलाइन लगा दिया मिडल, ताकि पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो आपके मिडल में उठ कर आ जाए। तो ये डिव टैग को यूज़ करने का फ़ायदा है और बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम जैसे जैसे अगले लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे हमें इसके फ़ायदे नज़र आते जाएंगे। और इवन दो बूटस्ट्रैप, जो जब मैं आपको बूटस्ट्रैप पढ़ाऊंगा तो बूटस्ट्रैप में 90% डिव का ही यूज़ होता है, जो हमारा ग्रिड सिस्टम होता है बूटस्ट्रैप में वो बिना डिव के यूज़ नहीं किया जा सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है डिव टैग। तो ये हमने डिव टैग का यूज़ पढ़ लिया है। मैं एक और अगर आपको डिव टैग यहीं बना के दिखाऊँ सेम, तो मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो डिव टैग बन गए और दोनों ही सेंटर में हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो मिडिल दी हुई हैं। मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू राइट कर सकता हूँ, इसको सेव किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ये वाला जो नीचे वाला डिव है वो राइट में शिफ्ट हो गया है, और मैं अगर इसका अलाइन एट्रीब्यूट हटा दूँगा तो बाई डिफ़ॉल्ट जो अलाइन की वैल्यू रहती है वो लेफ्ट रहती है, ये लेफ्ट में उठ के आ जाएगा। तो ये यूज़ है डिव टैग का, इसका यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर डिव टैग से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन दिया गया है उसी में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये कि अगर आप इस चैनल की कोई भी वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पे काफ़ी कुछ अभी पढ़ने वाले हैं, पूरी एक वेबसाइट को बनाएंगे भी, काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी डेवलप करेंगे, कोडिंग भी चैनल में स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि जो स्टूडेंट की प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी नहीं होती उनकी स्किल्स जो है अच्छी हो जाए। तो जितना मुझसे एफर्ट्स हो सकता है मैं इस चैनल पर अपना एफर्ट्स दूँगा। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और भी लोगों तक जल्दी से ये वीडियो पहुँच पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।